Well, it's Lahore Qalandars versus Karachi Kings once again. And you will remember when last time Lahore and Karachi ka match hua tha. तो तब ये खातून बहुत खुश थी. आज ये जो है वो जैसे कहते हैं ना कि मीठी मीठी सी एक स्माइल इनके मुंह पे, थोड़ी सी शीपिश स्माइल जिसको हम कहते हैं, वो नज़र आ रही है. उरूज, क्यों, क्या क्या बात है, खैरियत है? नहीं यार, इट्स नॉट खैरियत. मतलब कराची किंग्स जस्ट टू विन्स, जस्ट फोर पॉइंट्स, इम्प्रूवमेंट ज़रूर है, 100% रिकॉर्ड बेटर फ्रॉम लास्ट टाइम राउंड. बट हाँ, मतलब देखें, दोस्ती और क्रिकेट के बीच में थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन ना करें, मतलब वी आर स्टिल फ्रेंड्स, कम ऑन. नहीं, मतलब वी आर एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, बट यू नो, लाहौर कलंदर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ऐसा बॉलिंग अटैक आपने देखा है अभी तक टूर्नामेंट में? नहीं देखा ऑनेस्टली. और सिर्फ HBL PSL में नहीं, अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में थ्रू आउट देखें तो आई हैव टू गिव यू दैट लाहौर कलंदर्स हैज़ द बेस्ट बॉलिंग अटैक बाय फार फ्रॉम एनी टीम. मगर ना भूलें ज़ैनब, पिछला मैच कराची लाहौर, कराची जीता था. Karachi bilkul jeeta tha, she definitely had the bragging rights in that last game. But what are you looking forward to? There has been, chale, you know, some solace for her. There have been some key performances for Karachi Kings. Main aapki dost hu to main aapka dukh samajhti hu. Aur I think bahut sare Karachi wale bhi bahut upset honge, but zarur ye baat bilkul theek hai ki there have been performances. Skipper Imad Wasim bahut acha perform kiya, both with bat and ball. Tabrez Shamsi, he came and performed. Aamir ne ek match mein perform kiya, but yahi wali baat hai ki agar Tabrez Shamsi ko chhate aur saatve match tak realization hui ki ab khilana chahiye, to there were so many inconsistencies ke wo kehte na, वो जो डॉट्स थे मगर वो कनेक्ट नहीं हुए. एंड आई एम सॉरी बट आई कांट डिफेंड देम एनीमोर. यू कांट डिफेंड देम एनीमोर, बट आई कैन टेल यू दैट आज मजा बहुत आने वाला है, बिकॉज इट इज लाहौर वर्सेस कराची इन लाहौर. इट डजंट गेट बिगर एंड बेटर.